एक्चुअली क्रिप्टो में बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल स्टॉक मार्केट के हिसाब से बॉटम और ये सब ढूंढते हैं। शेयर मार्केट में कंपनी का वैल्यूएशन के हिसाब से, उसका एसेट्स और उसका प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से शेयर मार्केट प्राइस, उसमें अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कंपनी का एसेट्स अगर 100 करोड़ का है और 100 शेयर से, तो 1 करोड़ के नीचे नहीं जाएगा, क्योंकि एसेट बैक्ड है, प्रॉफिटेबिलिटी बैक्ड है, तो उसमें बॉटम ढूंढ सकते हैं। लेकिन बिटकॉइन में बॉटम कैसे ढूंढोगे, क्योंकि इट हैज़ नथिंग टू बैक इट्स वैल्यू, इट इज़ ऑल क्या बोलते हैं, फिक्शनल वैल्यू, इट्स ऑल फिक्शनल वैल्यू। इवन गोल्ड को भी फिक्शनल वैल्यू बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें तुम ऐसा बता नहीं सकते कि एक फिक्शनल वैल्यू है, ये फिक्शनल वैल्यू के नीचे नहीं जाएगा। बहुत सारे मंदबुद्धि ट्रेडर्स जो यूट्यूब वीडियो बनाते कि रेजिस्टेंस 19,500 को होगा, गधे लोग हैं। ये पूरा मार्केट क्रिप्टो का लिक्विडिटी पे चलता है, और जितना पैसा छाप के आएगा उतना रेट बढ़ते जाएगा, हाइप पे चलता है। ऑफ कोर्स रियल वर्ल्ड यूज़ केस है स्मार्ट डीफाई, और जो गवर्नमेंट करने जा रही है टोकनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग, ये एक नया इकोनॉमिक इंजन बनेगा कि एप्पल का भी तुम टोकन निकालोगे फिर उसको ट्रेड कर सकते हो। एनफोर्समेंट एजेंसी लगेगा, वो गवर्नमेंट कर सकती है। तो बेसिकली हर एक चीज़ का टोकनाइजेशन हो रहा है, और उससे एक नए मार्केट्स क्रिएट होंगे डीफाई और ये सब, मतलब ट्रेडिंग करने के लिए। तो अभी टोकनाइजेशन ऑफ एवरीथिंग गवर्नमेंट कर ही रही है, और ब्लॉकचेन पे होगा वो सब कुछ। लेकिन इसके साथ दूसरे दिक्कत भी है कि प्राइवेसी और सरकार के हाथ में पूरा कंट्रोल गया, तो जब चाहे तुम्हारा प्रॉपर्टी गायब। और ये वर्ल्ड वाइड हो रहा है, सब सबके आधार कार्ड, सबके घर के एड्रेस, सारे देश के प्रधानमंत्री ने किसी एजेंसी को दिए हैं जो सेंट्रलाइज ब्लॉकचेन बनाने वाले, ऑफ कोर्स सेंट्रल बैंक्स हो रही है। तो ये दिक्कत भी है। क्रिप्टो करेंसी में फ्यूचर है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में फ्यूचर है, क्योंकि उससे गवर्नेंस और गवर्नेंस एकदम काफ़ी ट्रांसपेरेंट हो सकता है, मतलब होता ही है। ऑफ कोर्स ये लोग कुछ भी कारण बना के ये लोग एनफोर्स करेंगे, झूठा विज्ञान इनका जो है, विराट कोहली आया लो टोचन, और टोचन नहीं लिया तो उससे तुम्हारा सोशल क्रेडिट स्कोर और तुम्हारा पैसा भी फ्रीज हो सकता है, तुम्हारे एसेट फ्रीज हो सकते हैं। तो इसमें तकलीफ ये है कि इनका जो फेक साइंस है वो यूज़ किया जाएगा लोगों के अगेंस्ट, और तुम एक बार सब कुछ डिजिटल हो गया तो ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं सकते। तो ये जो गधेड़े लोग बॉटम बोल रहे हैं 19,500 के नीचे नहीं जाएगा, चूतिया लोग हैं, ये फिक्शनल वैल्यू है। और कितना नीचे जाता है मार्केट सबने देखा है, जब नीचे जाता है तभी कितना जाता है, और इसमें कोई सर्किट ब्रेकर भी नहीं है कि भाव गिर रहा है तो ट्रेडिंग बंद किया जाए, तो ऐसा कुछ बॉटम नहीं रहता है इसमें, क्योंकि इसमें वैल्यूएशन का कुछ मेथड नहीं है। जैसे स्टॉक मार्केट में वैल्यूएशन का मेथड है कि इसका एसेट्स इतना है, कंपनी का 100 करोड़ का एसेट है और 1 करोड़ 100 शेयर है, तो 1 करोड़ के नीचे जाएगा तो इट इज़ अ बाय, क्योंकि उसका एक्चुअल एसेट वैल्यू ज़्यादा है। लेकिन इसमें कुछ बैकिंग नहीं है एसेट का,